देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स विश्रामपुर आ रहे हैं। शेर सिंह ने सरकार से 100 करोड़ मांगे हैं, नहीं दिए तो मिनिस्टर के प्लेन को भी ऐसे ही गड्ढे में गिरा देगा। खुलेआम धमकी दे रहा है ये शेर सिंह। इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा गट्टू बट्टू सिक्योरिटी एजेंसी को दिया गया है। गट्टू बट्टू ने चैलेंज किया है कि उसे कल तक पकड़ लेंगे। अरे हमने चैलेंज ही क्यों किया, मिनिस्टर्स का प्रोग्राम कैंसिल करा देते कैंसिल, तो ये शेर सिंह कर क्या लेता। हम गलत बात और गलत आदमी का साथ कभी नहीं देते। मिनिस्टर्स का प्रोग्राम कैंसिल किया तो विश्रामपुर की बदनामी होगी। हमें उसे हर हाल में पकड़ना है बट्टू, ठीक है? बस ये सोचना है कि कैसे। भाया भाया, अब आराम से बैठ के शेर सिंह का कमाल देखो। क्या कर रहे हो? आपने कहा आप अपना कमाल दिखाएंगे, हम आराम से बैठ जाए। हम आराम से बैठ गए हैं, अब आप अपना कमाल दिखाइए ना प्लीज। बिना चार्जर के मोबाइल, टूटे हुए फर्श की टाइल्स, कभी तो अकल से काम लिया करो। खड़े हो जाओ और देखो मैं क्या करता हूँ। आप हमेशा हम पे गुस्सा करने का बहाना ढूंढते रहते हो क्या? हम आपसे बात नहीं करते। मैं क्या करूं तुम दोनों का, कट्टी बट्टी छोड़ो, क्योंकि अब गट्टू बट्टू को बताने का टाइम आ गया है कि तबाही का दूसरा नाम शेर सिंह है। तो पहला नाम किसका है बस? चुप करो, जब शेर बोलते हैं तो गीतड़ बीच में बोला नहीं करते। हेलो गट्टू बट्टू सिक्योरिटी एजेंसी। गट्टू बट्टू जल्दी आओ जल्दी, शेर सिंह सामने जा रहा है। गट्टू बट्टू इस बार तो बच गए, लेकिन हर बार नहीं बचोगे। सरकार से कहो 100 करोड़ दे दे, वरना और मिनिस्टर्स का पूरा प्लेन खड्डे में जाएगा। शेर सिंह, हम गलत बात और गलत आदमी का साथ कभी नहीं देते। तो फिर ये गन चलने से पहले ही विश्रामपुर छोड़ के उड़न छू हो जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2 ये तो खुद ही उड़न छू हो गए। क्या हुआ बट्टू, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फ्रिज में भूत देख लिया क्या? हेलो एवरीबॉडी, डरो मत डरो मत, मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ। डॉक्टर भटावड़ेकर, ये सब क्या है? आप फ्रिज से कैसे बाहर आ रहे हैं? ओह थैंक गॉड। अरे बट्टू को लगा कि टिंगटोंग ने गलती से आपको फ्रिज में फ्रीज कर दिया है। मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस के ठीक नीचे है, लेकिन आने जाने का रास्ता रोड पे है और मुझे तुम्हारे पास घूम घूम के आना पड़ता है, इसीलिए मैंने कल रात ये नया रास्ता बनाया है। अब मैं तुम्हारे फ्रिज से होके तुम्हारे ऑफिस आया जाया करूँगा। आओ मैं तुम्हें ये नया रास्ता दिखाता हूँ। ओके गट्टू।
बट्टू, बाय बाय। अरे यार गट्टू, बट्टू सोच रहा था कि शेर को पकड़ना है तो उसके डेन में जाके पकड़ो, वहां उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि कोई आने की हिम्मत भी करेगा। मेरे सामने अभी बच्चे हो, दाया बाया इनकी सेवा करो। बिना इंजन की कार, बिना तार के गिटार, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? सेवा का मतलब ये नहीं कि उनके हाथ पैर दबाओ, चलो साइड हटो। दाया बाया, आप दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इस बेल्ट को पकड़े। मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लाओ। चलिए बट्टू। प्रोफेसर भटावड़ेकर, आपने शेर सिंह की धमकी के बारे में तो सुना होगा। क्या आप हमें कोई ऐसा गैजेट दे सकते हैं कि अचानक सामने कोई गड्ढा आ जाए तो फिर भी हम उसमें गिरने से बच जाएं? बड़ी प्यास लगी है, एक घूंट पी लेता हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। प्रोफेसर कुछ तो उतरी। कितनी बार बताओ, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। अरे पूछ के पीना था। सॉरी, बिना पूछे पी गया। हाँ, मैंने भी शेर सिंह की न्यूज देखी है। ये लो एंटी ग्रेविटी शूज, अगर अचानक गड्ढा सामने आ गया तो तुम उसमें गिरोगे नहीं बल्कि यूं ही हवा में रुक जाओगे। थैंक यू प्रोफेसर भटावड़ेकर। अब देखना, शेर सिंह मेरे हाथों से नहीं बचेगा।